हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कान्हा जी का प्रिय प्रसाद धनिया की पंजीरी एंड पंचामृत की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाया है मैंने ये रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए धनिया की पंजीरी एंड पंचामृत बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पंजीरी बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने पैन में एक चम्मच घी डाल दिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे एक कप के लगभग में फॉक्स नट यानी कि मखाना के दाने, और इसको हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्के से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो ये जलने लगते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक रोस्ट किया है, फॉक्स नट का कलर चेंज हो गया है, तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हमें ठंडा करके ग्राइंड करना है या फिर आप चाहे तो इसको बारीक काट सकते हो। सेम पैन में हम आधा चम्मच घी और ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के लगभग बादाम। इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या फिर जो आपके घर में अवेलेबल हो। इसके साथ ही मैंने इसमें 20-25 काजू भी ऐड कर दिए हैं, और इसको भी हमें लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। घी में ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने से पंजीरी में बहुत ही स्वाद आता है, तो घी में रोस्ट करके ड्राई फ्रूट को ऐड करें। और आप देख सकते हैं काजू और बादाम दोनों का कलर चेंज हो गए हैं। इसको भी हम मखाने वाले प्लेट पर निकाल लेते हैं क्योंकि इसे भी हमें ग्राइंड करना है। सेम पैन में हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के लगभग में किशमिश। आप चाहे तो किशमिश को बिना रोस्ट किए डाल सकते हो, लेकिन रोस्ट करने से इसमें अच्छा स्वाद आ जाता है, तो किशमिश को भी हम हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं किशमिश का कलर चेंज हो गया है और एक फूल गई है। तो किशमिश को हमें अलग बर्तन में निकालना है क्योंकि इसे हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसे हमें साबुत डालना है। अब हम सेम पैन में 2 बड़े चम्मच घी और ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के लगभग में धनिया का पाउडर। वेट में देखा जाए तो 100 ग्राम के लगभग में धनिया पाउडर है, और इसको भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और धनिया का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको हमें इसी तरह से लगातार चलाते रहना है, फ्लेम को लो रखना है। हाई या मीडियम फ्लेम पर धनिया जलने लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं धनिया का कलर चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। और धनिया को हमें पहले पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, इसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो मैंने धनिया पाउडर को ठंडा कर लिया है, और हम इसे किसी बड़े से मिक्सिंग बाउल में डालेंगे जिसमें सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करने में आसानी हो। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट जिसे हमने रोस्ट किया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पॉपी सीड यानी कि खसखस। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के लगभग में नारियल का पाउडर, और 1 कप हम इसमें ऐड कर देंगे जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर। तो मैंने 1 कप धनिया पाउडर लिया था, इसलिए मैंने 1 कप गुड़ का पाउडर लिया है, तो क्वांटिटी का आप ध्यान रखें। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश जिसे हमने घी में रोस्ट किया था, और 2-3 चुटकी के लगभग में इलायची का पाउडर। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप गुड़ की जगह पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से हेल्दी पंजीरी बनकर तैयार होती है, इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया। और ये देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तुलसी के पत्ते। ऐसा कहते हैं तुलसी के पत्ते के बिना ठाकुर जी का प्रसाद अधूरा रहता है, तो तुलसी के पत्ते ज़रूर ऐड करें। और इसे अपने हाथों से तोड़कर डालना है, कट करके नहीं डालेंगे। तुलसी के पत्तों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा शुद्ध टेस्टी एंड पौष्टिक पंजीरी बनकर तैयार हुआ है। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और पंचामृत बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। पंचामृत 5 चीज़ों का मिश्रण होता है। तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच गुड़ का पाउडर लिया है, 1 चम्मच घी लिया है, 100 ml के लगभग में कच्चा दूध है गाय का दूध, और 1 चम्मच हनी। इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच दही लिया है, और दही हमें खट्टी इस्तेमाल नहीं करना है, मीठी दही का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और कोशिश करें आप गाय का दूध इस्तेमाल करें, गाय की दही और घी भी गाय की होनी चाहिए। आप यहाँ पे गुड़ के पाउडर की जगह चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा शुद्ध होता है, इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। यदि पॉसिबल हो तो घर की बनी हुई दही और घर की बनी हुई घी का इस्तेमाल करें। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पंचामृत बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें तुलसी के पत्ते भी ऐड कर देंगे ताकि और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाए। तो 4-5 तुलसी के पत्ते को अपने हाथों से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ऐड कर दें, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2-3 चुटकी के लगभग में इलायची का पाउडर, और ड्राई फ्रूट जो हमने घी में रोस्ट किया था, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा शुद्ध एंड स्वादिष्ट पंचामृत बनकर तैयार है। तब हम प्रसाद को सर्व कर लेते हैं, इसके बाद हम ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे।
तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट एंड पौष्टिक कान्हा जी का प्रिय प्रसाद बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और इस रेसिपी से रिलेटेड यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी या वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।